एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। पी शब्द के बारे में को बता दूं कि नौ ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन नौ ग्रहों में से किसी को ईश्वर नहीं कहा गया, केवल और केवल शनि को ईश्वर कहा गया है, शनीश्वर। यहाँ तक कि सूर्य नारायण भगवान, उनके पिता, उनको भी ईश्वर की पदवी ग्रहों में दी नहीं गई। इस वजह से ये पी शब्द बहुत बहुत लाभकारी है, लेकिन फिर क्या करें, केवल लेडीज के लिए। फिर आते हैं राहु की ओर। भ शब्द राहु का है, ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग, ये उसका मंत्र है। भ शब्द का इस्तेमाल राहु को शांत कर सकता है। कैसे? आप मुझे अभी देख रहे हो ना, किस माध्यम से देख रहे हो, एक स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूं ना आपको, तो मैं साक्षात हूं आपके सामने नहीं, मेरी छाया है। राहु छाया ग्रह है। तो जो लोग फिल्मों का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, कैमरा का काम करते हैं, उनको ये भ शब्द बहुत सूट होता है। तो भ शब्द जो है वो राहु छाया ग्रह का है, लेकिन फिर उसके अवगुण क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, थेफ्ट, चोरी, बुरे काम, व्यसन, आदत, लत, जानलेवा बीमारी। अभी इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इससे बचने के लिए कैसे हम राहु महाराज को प्रसन्न करेंगे, नाम में, वाणी में, बातचीत में, हमारी वस्तु, हमारे प्रोडक्ट, हमारी कंपनी, हमारे ब्रांड के नाम में भ शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो राहु के नेगेटिव पॉइंट्स हट जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन राहु है, संभाल कर रहना होगा, राहु से बचकर रहना होगा। कैसे? यदि आप कैमरामैन हैं, मीडिया में काम करते हैं, स्क्रीन की कनेक्शन में कोई भी काम करते हैं, या राहु का कोई भी काम करते हैं, तभी भ शब्द का इस्तेमाल करें, वरना भैरव जी को याद करने की जरूरत नहीं है। फिर केतु महाराज को देखते हैं। केतु महाराज का अथर्व वेद में मंत्र है, बीज मंत्र, स्त्रांग स्त्रिंग स्त्रोंग। हम इसका अर्थ ले लेते हैं, इसका अक्षर लेते हैं, स्त्रांग। स्त्रांग में तीन अक्षर है, श, त और र। लिखने में श और त्र लिखा जाता है, लेकिन त्र में त और र का मिलाप होता है। तो श जो है हमने सीखा है सरस्वती या गुप्त शक्ति बीज है, र अग्नि बीज है, लेकिन त तरने का तारा का बीज है जो तार देती है। केतु के गुण क्या है? नॉलेज, मेमोरी, वर्ड टू वर्ड याद रहना, पिक्चरिस्टिक मेमोरी होना और संतति की प्राप्ति, हेरिटेज। लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है? क्रोध, गरीबी, डेब्ट्स। केतु की नेगेटिविटी को हटाने के लिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए इन तीन शब्दों का आपके शब्दकोश में, आपकी बातचीत में, आपके प्रोडक्ट के नाम में, कंपनी के नाम में, आपके नाम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्षर है श, त और र। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।